महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम नहीं होता, अगर दुनिया में पैदा कोई भीम नहीं होता और डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं होती, डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं होती अगर बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं होता और मनुवाद की गुलामी से घूंघट में रोती, मनुवाद की गुलामी से घूंघट में रोती फिर सर उठा के जीना आसान नहीं होता अगर बाबा साहब ने लिखा संविधान नहीं होता और बाबा ने तेरे हाथ की बेड़ियों को तोड़ा, बाबा ने तेरे हाथ की बेड़ियों को तोड़ा वरना कलम चलाना आसान नहीं होता, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। लेकिन साथियों हमारे समाज में कांसीराम होते हैं जो बहन कुमारी मायावती को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, हमारे समाज में गौतम बुद्धा होते हैं जो संघ क्या नाम है आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधू थी, बंत जी अगर मैं सही हूं तो उनको प्रोस्टिट्यूट वीमन एक तवायफ को उन्होंने बहुत भिक्खुड़ी बना करके वो सम्मान दिया जो उनका खुद का अपना मुकाम था। तो हमारे बहुजन महापुरुषों में जो है फूलन देवी पैदा हो जाती है, झलकारी बाई पैदा हो जाती है, बहन कुमारी मायावती पैदा हो जाती है, लेकिन उनके महापुरुष क्या करते हैं अपने महिलाओं को बराबर गुलाम करते हैं और हमेशा हर तरह के अधिकार उनके छीनने की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कांसीराम हुए जिन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब उनके यहाँ एक बाबा होते हैं, अगर आपके दिल को गुदगुदा जाए वो कविता तो आप ताली बजाएगा कि बौद्ध धर्म फैलाने वाले, बौद्ध धर्म फैलाने वाले महान हो गए, बौद्ध धर्म फैलाने वाले महान हो गए, हर मजलूमों की नेता कांसीराम हो गए, बौद्ध धर्म फैलाने वाले महान हो गए, हर मजलूमों के नेता कांसीराम हो गए। और हिंदू धर्म तो नारी का सम्मान नहीं करता इसलिए इसके बाबा आसाराम हो गए, हिंदू धर्म तो नारी का सम्मान नहीं करता अब तो राम